नमस्ते बच्चों, कक्षा नौवीं, विषय हिंदी। आज का हमारा विषय है व्याकरण। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखते हैं, क्योंकि व्याकरण से ही हम किसी भी वाक्य को सही रूप देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, मोहन खाना खाती है, ये क्या है? इसमें वाक्य शुद्धि है। देखो अभी इसी वाक्य को हम इसका शुद्ध रूप लिखेंगे तो देखो क्या वाक्य है, मोहन खाना खाता है, ये भी इसका क्या है, शुद्ध रूप। आगे है सीता घर जाता है, ये कौन सा वाक्य हुआ, अशुद्ध वाक्य। सीता घर जाती है, अभी इसी वाक्य को हमने व्याकरण के साथ भाव, इसमें कुछ वर्णों का प्रयोग किया तो इसको हमने सीता घर जाती है भाव, ये इसका शुद्ध रूप हुआ। ऐसे थोड़ी हम बोल सकते हैं कि सीता घर जाता है, सीता तो एक लड़की का नाम है, वो एक लड़की है, लड़का थोड़ी है, तो तब हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। आगे है मेरे को पानी पिला दो, मेरे को क्या है, इससे कोई हमें मालूम चल रहा है मेरा क्या है, मेरे को। अभी मेरे को हम किस में बदलेंगे, मुझे, मुझे पानी पिला दो। अभी इसका वाक्य शुद्ध हुआ ना, मुझे पानी पिला दो। इस देखो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके, क्योंकि व्याकरण के बिना हम कभी भी भाषा को सही रूप नहीं दे सकते, क्योंकि हम कोई भी भाषा बोलते हैं या लिखते हैं तो हम व्याकरण की सहायता से ही उसे शुद्ध रूप में बोलते लिखते हैं। वैसे ही हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों, भाषा जैसे अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, मराठी, ये सभी क्या है भाषाएं, के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना भाव जैसे मोहन खाना खाता है, इस मोहन सीता स्कूल जाती है, ये सभी क्या है, शुद्ध रूप है ना। पढ़ना एवं लिखना सीखते हैं, व्या किस में आता है, व्याकरण में। आगे देखो व्याकरण के कितने अंग हैं, देखो व्याकरण का पहला अंग होता है वर्ण विचार, वर्ण विचार इसका पहला अंग है, और इसका दूसरा अंग है शब्द विचार, और इसका तीसरा अंग है वाक्य विचार। सबसे पहले हम करेंगे वर्ण विचार। देखो बच्चों, जब भी हम वर्ण विचार करते हैं तो इसमें वर्णों के आकार, उनके भेद, वर्ण संयोग, वर्ण विषेद आदि पर विचार किया जाता है भाव, कि हम कैसे एक वर्ण से जैसे क और प्लस ख, देखो क प्लस, जैसे एक उदाहरण के लिए लीजिए प्रति प्लस एक, तो प्रत्येक हुआ ना, तो ऐसे ही हम वर्णों में भी इनके मिलान को जो भी रूप देते हैं उन्हें हम वर्ण विचार कहते हैं। इसमें देखो संयोग भेद आ गई, उसके उसका वर्ण संयोग आ चुका है, और वर्ण विषेद। आगे है इसका दूसरा भेद है शब्द विचार। देखो जब भी हम व्याकरण करते हैं तो उसका दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है शब्द विचार। अब हम इसमें जब भी शब्दों को लिखेंगे तो उनका हम देखेंगे कि वो शब्द, उनमें कौन कौन से भेद हैं भाव, उनकी रचना कहाँ से हुई, उनकी उत्पत्ति भाव, कौन सी भाषा से वो लिए गए हैं, जैसे कोई भी शब्द हो तो उसका हम विस्तारपूर्वक क्या किसमें पढ़ेंगे, शब्द विचार में। अभी तीसरा हमारा आ चुका है वाक्य विचार।
देखो ये व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग है व्याकरण का, क्योंकि इसके बिना हमारा जो भी हम वाक्य लिख रहे हैं वो अधूरा होगा। जैसे इसमें हम देखो इसके वाक्य में इसके भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य परिवर्तन, जैसे मैं अमृतसर जाती हूँ, ये क्या है? वाक्य परिवर्तन। एक वाक्य को हम दूसरे वाक्य में जब परिवर्तन करते तो ये सभी किसमें आते हैं? वाक्य विचार में। तो ये बच्चों हमारा जो व्याकरण है वो हमारी हिंदी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और आज हमने व्याकरण के बारे में बहुत विस्तारपूर्ण पढ़ा है। धन्यवाद।